Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Pappu Career Guide, a complete guide for all your career needs. So friend, इससे पहले मैंने part 12 वीडियो बनाया है, उस पर मैंने बहुत सारे क्वेरीज को मैंने सॉल्व किया है. अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को जाकर देख के आइए, तभी आपको ये पार्ट 13 का जो वीडियो है वो समझ में आएगा. और प्लीज़ फ्रेंड, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आप लोगों का सारे क्वेरीज़ का सोल्यूशन आपको मिल सके. क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, सारे कमेंट्स का रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता है मेरे क्या किसी भी यूट्यूबर्स के लिए, तभी मैं आपको लेके लिए वीडियो लेके आता हूँ ताकि आपका सारा डाउट्स क्लियर कर सकूँ. तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे, जैसा कि आपको मेरे स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं, जो आप ही लोगों के क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे डाले हैं. तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं TCS Nextstep पोर्टल अप्लाई फॉर ड्राइव ऑप्शन नॉट शोइंग. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है, आप सभी के माइंड में होगा. तो मैं आप लोग को एक चीज़ क्लियर कर दूँ, इसमें TCS का जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसमें केवल एक बार एक लोगों का रजिस्ट्रेशन होता है. अगर आपने एक बार, लाइक मान लो कि आपने अक्टूबर में अप्लाई किया, आप लोगों ने अक्टूबर में NQT एग्ज़ाम दिया, वहाँ से आपको NQT नंबर मिला, NQT आईडी को आपने TCS Nextstep में नया अकाउंट क्रिएट करके DT रेफरेंस लेके फिर वहाँ पर जाके आपने अक्टूबर से अप्लाई किया है, तो अक्टूबर के बाद जितने भी अपकमिंग आपके एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में आपका NQT नंबर जो होता है वो सेम होता है. इसलिए आपको बार बार अप्लाइड फॉर ड्राइव में जाके अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपने एक बार अप्लाई कर चुके हो तो फिर आपको बार बार अप्लाइड फॉर ड्राइव में जाके अप्लाई करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है? क्योंकि NQT नंबर आप जब रजिस्टर करते हो NQT वेबसाइट पर, एक ईमेल आईडी से बता रहा हूँ मैं, डिफरेंट ईमेल आईडी से नहीं, तो आपका NQT नंबर सेम होता है. ठीक है, एक बार अप्लाई होता है फिर कोई दोबारा नहीं होता है. एंड TCS NQT माई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 1 स्टेप और 2 स्टेप. देखो, ये फिलहाल उन लोगों के लिए 2 स्टेप है जो लोग पहली बार ये TCS NQT एग्ज़ाम दे रहे हैं, और जो लोग ऑलरेडी दे चुके हैं उनका एक स्टेप है. क्या करना है, बेसिकली जो TCS हायरिंग कर रही है उसके लिंक पर जाके सिंपल आपको रजिस्टर करना है, कोर्स खरीदना है. ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आई हैव ऑलरेडी गिवन मार्च NQT एग्जाम प्रोग्रामिंग कैन वी गिव अगेन. अगर आप लोगों को स्कोर अच्छा है तो आप लोगों को देने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप लोग, क्योंकि इस बार जो है वो पेड है, कुछ अमाउंट आपसे ले रही है TCS NQT. अब क्यों ले रही है आप लोग को भी पता होगा, क्योंकि TCS NQT TCS जो आयोन वेबसाइट है वो डिफरेंट हो, केवल हायरिंग करवाती है. क्योंकि बार बार इतने लोगों को फ्री में एग्जाम कंडक्ट करवाना उन लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, दैट्स वाई वो लोग कुछ अमाउंट आप लोग से कर रहे हैं. और ये TCS आपसे पैसा नहीं ले रही है, TCS आयोन वेबसाइट पैसा ले रही है. बहुत लोगों का था कि सर TCS पैसा कैसे ले सकती है हायरिंग प्रोसेस में, तो मैं फ्रेंड आप लोग को मैं एक बात आप लोग यहाँ पर मैं जो आपका मिथ जो है उसको मैं क्लियर कर दूँ कि TCS अलग है TCS आयोन के वेबसाइट जहाँ पर हायरिंग होती है. लाइक जैसे आपका डिफरेंट तरह के जो प्लेटफॉर्म होते हैं MCAT, एक इलिटमस, कॉक्यूब्स, वैसे ही आपके TCS जो आयोन है वो एक वेबसाइट है, वो एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू से TCS जो है बेसिकली वहाँ से हायरिंग करती है. तो आप लोग को ही समझ में आ जाना चाहिए कि जब इतने बच्चे लोग फ्री में देंगे तो यार वो लोग भी तो चाहेंगे ना कि हम लोग भी कुछ अमाउंट जो है ले सके, क्योंकि इतने सारे लोगों को एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना इज़ नॉट अ पॉसिबल. आप लोगों को आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा. ठीक है, कैन वी अटेंड एग्जाम इफ़ आई ऑलरेडी रिजेक्टेड और आफ्टर 6 मंथ. देखो, अगर आपने TCS का इंटरव्यू में रिजेक्ट हो चुके हो तो 6 महीना तक तो आप लोग नहीं दे सकते हो, बट अगर जब आप TCS नेक्स्ट स्टेप पर रजिस्ट्रेशन करते हो ना, तो वहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है, हैव यू एवर बीन इंटरव्यूड इन 6 मंथ. तो आप लोग वहाँ पर येस करके टाइम डेट वगैरह वहाँ पर मेंशन कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है. बट हाँ, मोस्ट ऑफ द केसेस में TCS 6 मंथ को फॉलो करती है, तो आप लोगों को 6 मंथ के बाद अगर आपका स्कोर अच्छा रहता है, मे बी वो हायरिंग करेगी थ्रू द सर्वे मेल, तो आप लोग को अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाता है. ठीक है, विच मोड विल बी इट हैविंग ऑनलाइन टाइम, ऑनलाइन और ऑफलाइन. देखो, ये तो ऑनलाइन ही होगा एग्जाम, आप लोगों को पता होगा. हाँ, और जो इंटरव्यू होता है वो आपका तो वर्चुअल ही होगा, लेकिन एग्जाम ऑफलाइन होगा. ठीक है, सेंटर में जाके आपको एग्जाम देना पड़ेगा, जो भी TCS आयोन का सेंटर है. My new NQT score February 2021 not updated in. बहुत लोगों का डाउट है कि सर मैं अब तक अपडेट क्यों नहीं हुआ, तो फिर आप लोगों को मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ, पार्ट 8 या 9 का वीडियो है मेरा, जिसमें मैंने बताया आपको कि ये TCS आयोन के डिपेंड करता है, वो आपका अपडेट कर देगी, आप लोगों को दिक्कत आने की कोई भी बात नहीं है. अगर आपका अक्टूबर का स्कोर अच्छा था तो अक्टूबर का ही स्कोर आपका शो करेगा, फरवरी का अगर खराब है तो फरवरी का अपडेट नहीं होगा. अगर फरवरी का जिसका अच्छा उसका भी अपडेट नहीं हुआ है तो वेट करो, TCS आयोन कर देगी. ठीक है, क्योंकि अभी करेंटली वो मई जो हायरिंग होनी है उस पर वो फोकस कर रही है. ठीक है, एग्ज़ाम के लिए विच सब्जेक्ट आर मैंडेटरी टू गिव एग्ज़ाम एंड वाई एंड हाउ टू बाय. देखो,
मैंडेटरी सब्जेक्ट है आपका कॉग्निटिव जो एनक्यूटी होता है, और दूसरा होता है आपका आईटी प्रोग्रामिंग। ये दोनों मैंडेटरी है क्योंकि टीसीएस जो हायरिंग करती है वो बेसिकली निंजा और डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए हायरिंग करती है। पहले तो निंजा के लिए होगी इंटरव्यू 3.36 लाइक पर एनम, आप लोगों को पता होगा। उसके बाद जब टीसीएस का एक्सप्लोरर प्रोग्राम, ड्यूरिंग द एक्सप्लोरर प्रोग्राम एक एग्जाम होता है DCA, उसमें आप लोग अपने प्रोफाइल को अपग्रेड कर सकते हो डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए। या फिर एक और एग्जाम होता है टीसीएस डिजिटल इंटरनल एग्जाम। अगर आप लोगों को टीसीएस डिजिटल इंटरनल एग्जाम के ऊपर में अच्छे से एक वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो लोग यहां तक मेरे वीडियो देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए डिटेल्स में बता दूंगा कि किस तरह से टीसीएस का जो इंटरनल डिजिटल हायरिंग होता है उसके आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो, कैसे एग्जाम देना होता है, प्रोसेस क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, ठीक है। विल दे हायर अगेन थ्रू अक्टूबर और फरवरी एनक्यूटी स्कोर, देखो वो हायरिंग करेगी जब टीसीएस का अपना बिजनेस रिक्वायरमेंट होगा। तो जैसा कि आपको मेरे स्क्रीन पर भी देखने को मिल रहा होगा कि जो टीसीएस का रिक्वायरमेंट ड्राइव होता है प्लान प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस रिक्वायरमेंट, नॉट ऑन द बैच, लाइक बैच ब्रांच कौन से बैच से हो ये डिपेंड नहीं करता है। टीसीएस को जब उनका बिजनेस रिक्वायरमेंट में जब हायरिंग करना होगा तो आप लोगों को मेल कर देंगे, ठीक है। और रहा बात केस क्या कट ऑफ वर्कट ऑफ है, तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो मैंने बना के रखे हैं, आप लोग प्लीज़ एक बार पार्ट वन से लेकर वीडियो जरूर देखिएगा, आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, ठीक है। कंप्लीट प्रोसेस हाउ टू अप्लाई मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। और हाँ, जो दूसरा क्वेश्चन था कि वो टू स्टेप का, तो टू स्टेप में बहुत ईजी है। सबसे पहले आपको TCS Nextstep वेबसाइट पर आना है, IT में जाना है, आपका अपना सिंपल रजिस्ट्रेशन होता है रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद जब आप मेन ब्रांच पर आओगे, पहली बार जो अप्लाई कर रहे हैं उसी को अप्लाइड फॉर अ ड्राइव का ऑप्शन आएगा, बाकी सबको नहीं आएगा। अब बात कर लेते हैं कि आपको कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये वेबसाइट है, इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे आपका व्यू डिटेल्स, जैसे आप व्यू डिटेल्स पे क्लिक करते हो ना आपका ऑटोमेटिक जो है रजिस्ट्रेशन हो जाता है, ठीक है। मैं दिखा दूँ एक बार आपको, देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे व्यू डिटेल्स पर, ठीक है। देखेंगे जैसे आपने व्यू डिटेल्स पर क्लिक किया आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, क्लिक ऑन द प्रोसीड टू बटन ऑन द फॉर्म एंड मेक द पेमेंट। आप लोग को समझ में आ गया होगा, जैसे ही व्यू डिटेल्स पर क्लिक करोगे तो आपका ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन हो चुका है। आपको बस आप ही करना क्या है, आपको कोर्स जो है परचेस करना है। आप कोर्स कैसे परचेस करना है वो मैं आपको दिखा दूँ एक बार। तो फिर ये भी बहुत लोगों का डाउट था, एक बार आप लोग यहाँ से पढ़ लीजिएगा। इफ यू हैव अटेम्प्टेड एन NQT प्रोडक्ट वेरिएंट मोर देन वंस द ओनली बेस्ट स्कोर ऑफ ऑल द अटेम्प्ट्स विल बी शोन इन योर स्कोर कार्ड एज पर द लेटेस्ट स्कोर कार्ड, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ठीक है, रजिस्टर करने के लिए सिंपल आपको रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपके सामने तीन ऑप्शन आएंगे, पहला तो आपका होगा NQT, दूसरा है आपका इंडस्ट्री NQT, तीसरा है आपका सब्जेक्ट NQT। तो देखेंगे तो पहला आपका NQT है और जिसको हम लोग कॉग्निटिव स्किल्स भी बोलते हैं, और दूसरा है आपका एटेन्यूअल अलाइनमेंट NQT साइकोमेट्रिक्स टेस्ट, ठीक है। और तीसरा है आपका सब्जेक्ट NQT में ये सब्जेक्ट NQT IT प्रोग्रामिंग। तो बेसिकली आपका जो ये NQT स्कोर होता है और सब्जेक्ट NQT में आपका ये होता है IT प्रोग्रामिंग, ये दोनों इंपॉर्टेंट होता है TCS हायरिंग के लिए। तो ठीक है, कैसे करना है, देखो एक्टिवेट कोड नहीं करना आपको, बहुत लोग एक्टिवेट नाउ पर कर रहे हैं, नहीं, आप लोगों को पहले बाय नाउ पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे बाय नाउ पर क्लिक करेंगे, ठीक है, उसके बाद आपके सामने एप्लीकेशन डिटेल्स आएगा। चाहो तो आप यहाँ पर एडिट एप्लीकेशन पर क्लिक करके आपका जो भी नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, जो भी आपका रॉन्ग है तो आप उसको सही कर सकते हो, ठीक है। बहुत लोगों का डाउट था सर ये ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, देख सकते हैं। दिस टेल बी कंडक्टेड एट अ TCS ION असेसमेंट सेंटर एंड यू मस्ट बी अपीयर इन पर्सन इन TCS एलोकेटेड। तो यहाँ पर आपको पहले सेंटर वगैरह लेना, मतलब कि ये पूरी तरह से ऑफलाइन होगा, ठीक है। ये भी डाउट था किसी का, मैंने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। उसके बाद सिंपल आपको क्लिक टू प्रोसीड पर क्लिक करना है, ठीक है। ये जैसे क्लिक कर दोगे उसका मैं बता दो स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। क्लिक करने के बाद देखेंगे तो आपका सामने ये आएगा, आप लोग को आपके पास तो कोई इंटर कूपन कोड नहीं होगा तो आपको कूपन कोड पर नहीं करना है। फिर आपको सिंपल देखेंगे तो प्रोसीड टू पे पर क्लिक करना है, ठीक है। जिसको भी देने का मन होगा मैं उसका बता रहा हूँ, ठीक है, जिसको मन है लेने का, जिसको एग्ज़ाम है देने का, ठीक है, वो लोग दे सकते हो, ठीक है। देखो ये आ गया, उसके बाद आपको पे नाउ पर क्लिक करना है, ठीक है। पे नाउ पर क्लिक करेंगे, उसके सामने आपका पेमेंट का जो भी ऑप्शन आते हैं रोजर पे, जैसे ये रोजर पे पोस्ट पैसा पेमेंट लेगी वो, ठीक है। तो देखेंगे थोड़ी देर को वेट करना है, वो आप देखेंगे तो रिडायरेक्टिंग टू पेमेंट गेटवे प्लीज़ वेट, ठीक है। तो फिर यहाँ पर देखेंगे तो आप कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, UPI QR से पेमेंट कर सकते हो, नेट बैंकिंग वॉलेट है, ठीक है, यहाँ से पेमेंट कर सकते हो। ये रहा पेमेंट का पूरा ऑप्शन, इसी तरह के आप सभी में पेमेंट कर सकते हो जैसा मैंने आपको अभी दिखाया। तो फ्रेंड होप करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, फ्रेंड से शेयर कीजिएगा। अगर माइंड में कोई भी डाउट रहेगा मुझे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। मिलते हैं आपको दूसरे किसी वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत।